दो बाप की घूमने औलाद के सर, भोसड़ी लिए। अरे दो नहीं तीन बार वाला। की चल हूँ, माधतचोद। आओ ना मेरे पास, आओ ना। हेलो हेलो जी, कौन? हेलो, इरम जी बात कर रही हैं? हाँ, कौन आप? आप फ्री है अभी बात करने? हाँ, क्या बात करनी है आपको? मैं कास्टिंग डायरेक्टर जीशान बात कर रहा हूँ। अच्छा हेलो, जी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? हमारा टाई अप्स होता है ना मैडम एयरटेल नेटवर्क और वोडाफोन वगैरह से, तो हमें डेटा बैंक हम खरीदते हैं तो मिल जाता तो बोलिए। है। तो ये लाइक एक शूट रिगार्डिंग है, आपको एक्टिंग वगैरह आती है नहीं भाई, जीरो है हम तो उसमें। और फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है? फोटोज अगर आपके निकाले जाए लहंगाज में, ब्राइडल्स में, बुरके में, ऐसा सब, लेडीज बैग्स में, इयररिंग्स में, फिंगर रिंग्स में, सैंडल्स वगैरह पे, तो आप लोग क्या, मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए ना बस आपको मतलब हमारे ऑफिस में एक बार आना पड़ेगा। हाँ आपकी फोटो पहले मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करनी होगी, कुछ फोटो जो आपने नॉर्मल निकाली होगी, जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो ही हो, अगर वो होगी तो और भी अच्छा है, और अगर नहीं होगी पोर्टफोलियो तो नॉर्मल फोटोज भी जो अच्छी अच्छी है वो सेंड कर देना, और वीडियोस छोटी अगर जैसे बनाते हैं आजकल लोग, मतलब वो एप्लीकेशन होते हैं अच्छा, ना, तो भाई जी मुझे ये तो बताइए, इसमें एडवोकेट हाँ भी आ सकते हैं क्या? सब आ सकते हैं इसमें। आप एडवोकेट का प्रोफेशन अपना कंटिन्यू रखते हुए हमारे कैमरामैन आपको शूट भी कर सकते हैं रैंडम, जिसका आपको मंथली और 15 डेज में पे भी मिलता है 40,000। तो विदाउट एफर्ट्स डाले तो आप लोग हमें कैसे पैसे दे सकते हैं? एफर्ट्स यही रहेगा ना कि हमें आपका मतलब जो बदन का फोटो, मतलब जो रहता है पहन के कपड़ा या फिर हमारा कपड़ा, जो भी आपका, जैसे हमें बुरका अच्छा लगा या फिर आप नकाबी होंगी, ये हम हाँ, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है ना अभी बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड लोग पटा लेते हैं लड़कियां लोग, या फिर उनसे शादी कर लेती है, फिर बाद में कैसा उनका बनता है, नहीं बनता है, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ आवर पीपल इनटू ड्रग्स एंड ऑल, तो लड़की में रहती है ना, बच्चों को संभालना, खुद को संभालना, खुद के खर्चे, ये सब हम लोग स्पेशली लड़कियां मुस्लिम जो है उनमें टारगेट ऑडियंस है वो हमारी। आपका नाम तो क्या है? मेरा नाम है जीशान पेशी मैम, आई एम दी लाइक यू नो फाउंडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम लड़कियों के लिए। आप इसमें पैसे भी कमा सकती है, आपकी जो फ्रेंड लोग हैं उन्हें भी बोल करके, आपको आपकी ऑफिस कहाँ पर बैठे है? बैठे, आपको घर बैठे बैठे पैसे मिलेंगे अकाउंट में। मगर हमारी ऑफिस है बांद्रा पाली हिल। अच्छा, हाँ, हमारे 3 to 4 कैमरामैन आपके इर्द गिर्द नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, मगर कैसा रैंडम क्लिक्स होता है आपने देखा रहेगा, प्रिंट शूट्स होता है, नहीं मॉडलिंग इतना वगैरह टाइम नहीं का मिलता गया। हमको। अरे तुम्हें पोज देने नहीं बोलेंगे, तुम अपना नॉर्मल काम करती रहोगी, फोटोग्राफर्स की वो कला होगी कि वो आपके फोटो कैसे निकाले, वही तो हमारे फोटोग्राफर्स का भी टैलेंट तो है। इसमें चाइल्ड नहीं कर सकते क्या? हाँ, चाइल्ड भी कर सकते हैं मगर लड़कियां चाहिए, लड़कियां हैं मेरे पास में, बच्ची है, मतलब 4 साल की। बच्ची बच्ची को मगर आपको हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप भी फिर उसमें 4 साल की नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 17-18 से स्टार्ट है बच्चियां, अच्छा, टीनेजर गर्ल्स। या टीनेजर, यू नो ना, थोड़ा ग्लैमर लाइन भी है ना जिस, और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो मुस्लिम लड़कियां पता है ना, मतलब वीडियोस बनाती भी है, फोटोजेनिक्स भी होती है, मेकअप में भी हाँ, होती समझ गए है, समझ गए। तो हाँ मतलब जो शर्माती है, आ नहीं पाती है, और अच्छा, तो हमारे पास वो दूसरा कंटेंट भी है जिसके बारे में अगर आप चाहे तो मैं और बात कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं आप इंटरेस्टेड रहोगे कि नहीं, फिर भी आप सुन लीजिए। जैसे ये थोड़ा पाकीज़ा कंटेंट है हमारा, हाँ जिसमें हम सिर्फ बुरका पहना रहे हैं और ड्रेसेस जो पाकिस्तानी अबायाज, जो कान में बड़ा बाला झुमका नहीं क्या रहता है हाँ वो सब, नाक में नथनी और लाली पाउडर वाला जो रहता है, हाँ चलेगा ना वो? उसमें मैरिड वुमेन चल सकती हैं क्या, मतलब मैरिड सब गर्ल्स? सब सब हाँ 18 के अबाव सब चल सकती है। और अब मैं दूसरे कंटेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ,
जो थोड़ा एक्सपोजर वाला है उसमें मतलब आप से बात कर सकता हूँ ना? नहीं नहीं वो मत कीजिए, ये थोड़ा ठीक है। जैसे पूरा एक्सपोजर भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो उसमें कैसा लॉन्जरी शूट्स होता है? नो 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 नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और वो शॉर्ट्स वाला भी मतलब जो पता है ना अबाउनीस पहनते? नहीं वो सब नहीं, आप बात करो ये जो ये बुरके वाला शूट अच्छा था। बुरके वाला ना? हाँ, हाँ। तो आप बुरका पहनते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना बुरके के वो पता है आपको सिर्फ हिजाब या फिर दुपट्टा लेते हैं जो लड़की लोग। नहीं पता भाई, इतना हम लोग यूट्यूब नहीं देखते। यूट्यूब में वो कैसा रहता है कि शिविंग जस्ट गेट मी नॉट। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे, बोलो। तो इसमें जैसा है ना कि आपको एक दफा मगर आना पड़ेगा ऑफिस में, हाँ, जस्ट बिकॉज रजिस्टर करना पड़ता है एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ओके, और ये हम खास करके सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा। अब हाँ, और आपको इसके यू नो लाइक जैसे हम हमारी तरफ से तो मतलब नहीं दे पाएंगे कि आप ये बुरका पहनो वो बुरका पहनो, आप अपना जो नॉर्मल जो डेली पहनती है ना, हाँ हाँ, आपको वही सब पहनना है। और हमारा टीम रहता है कैमरामैन का जैसा है, हाँ हाँ, आपको शूट करेंगे, फिर आपको फोटोज हम एडिटर्स के पास लेके जाएंगे, हमारा एडिटिंग टीम उसको एडिट करके अच्छा एनहांस करके आपका फेस अगर आप चाहे दिखाना तो आपको पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे, अगर आप चाहे आपका फेस छुपाना तो आपको पैसे थोड़े से कम मिलेंगे। तो ऐसा भी रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना शर्मीले, पता है ना आपको तो। अच्छा हाँ, तो इसमें आप अपना एडवोकेट हो, आपका प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकती हो, आपको इर्द गिर्द में हमारे कैमरा में नजर भी नहीं आएंगे कि आपका शूट हो रही हो, आपको मंथली या 15 डेज में अकाउंट में आ जाता है। और हर इवनिंग में जैसे आप चाहे कि आज मेरी फोटोज कौन सी ली गई तो आपको आफ्टर 8 o'clock अपडेट किया जाएगा आपके मोबाइल पे। एक हम लोग वेबसाइट देते जो प्राइवेट और सेंसिटिव रहती है, वो सबको नहीं बता सकते अभी, जस्ट बिकॉज हम लोग ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं पहले ना क्लाइंट लोग से, इतना हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे तो थोड़ा हमें भी तो रहना चाहिए ना श्योरिटी। That's the reason why we do this. अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे को क्या ईमेल बता दो, एड्रेस विड्रेस क्या है? हाँ, उसमें आप मतलब ऐसा ये नहीं कर सकते हम, अगर आपका नाम क्या है? इरम। ओके इरम जी, आप उसमें ड्रॉबैक नहीं कर सकते। वंस यू गेट इन ड्रॉबैक मैं जब चाहूंगा आप तभी कर सकते। ऐसा थोड़ी होता है। अरे मतलब आज आपने पैसे ले लिए आज के, अच्छा कल हमें अगर आपकी, हाँ तो फिर कैसे फिर हम करेंगे हम? हेलो भाई जी, बोलिए। मैं ना अपने भाई से परमिशन लेके फिर आपको कॉल करती हूँ। क्यों भाई से परमिशन लेनी है आपको? हम आदमियों को नहीं बता रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ, आदमी लोगों को नहीं बता रहे हैं ना हम, क्यों बोल रही हूँ? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अभी तो आप अच्छे से सब पूछ रहे थे, इंटरेस्टेड थे, अभी ये क्या सवाल आ गया अचानक से? हेलो हेलो, हाँ भाई जी, हाँ मैं जब सो रही थी आपकी कॉल आई थी, मुझे ये बताइए कि मेरा नंबर आपको बेसिकली मिला कहाँ से? आप हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है? नहीं, जब से मैंने 13 लड़कियों को हायर कर दिया है, उनको 2-4 जन को तो काम भी दे दिया है, क्या कर रही है? वो बात नहीं है भाई जी, कैसा है ना मेरे मोबाइल में DND डली हुई है। और आप भाई जी क्यों बोल रही हैं आप मुझे? अच्छा जो भी, आपका नाम क्या है वैसे? ज़िगज़ैग बोलिए मुझे, नाम क्या है आपका पूरा? मेरा ऐसा तो सब मुझे, मेरा नाम है जीशान, मगर अच्छा, प्यार से सब मुझे ज़िगज़ैग बोलते हैं। अच्छा तो आप लोगों की जो प्रोडक्शन हाउस है वो लाइसेंस वाली है? एवरीथिंग लाइसेंस वाली है। आप तो ऐसी बातें कर रही है जैसे मैं कोई फर्नीचर दुकान चला के बैठा हूँ, प्रोडक्शन हाउस या फिर मेरा शूटिंग का सेटअप्स एंड मेरे यहाँ के मॉडल्स एंड एक्टर्स सब नकली है।
हमारा एक बेसिकली न्यू फेस को लेकर के, न्यू लड़कियों को, जनरेशन को लेकर के एक प्रोजेक्ट चालू हुआ तो है, ये एक कैसा स्पेशली फॉर मुस्लिम गर्ल्स हम चालू करेंगे जो अच्छा शर्माती तो, है। हाँ हाँ मुझे ये बताइए, तो अगर आप लड़कियों को आगे ला रहे हैं तो विदाउट पेरेंट्स की, हाँ विदाउट पेरेंट्स की परमिशन से कैसे लेके आ सकते हैं आप? पेरेंट्स, हम पेरेंट्स का जिम्मा नहीं लेते हैं, हम एक का जिम्मा ले सकते हैं। पेरेंट्स में भी अगर वो औरतें हैं तो उनका जिम्मा लिया जाएगा अगर वो आना चाहेंगी तो। हम यहाँ पे मर्दों से बात नहीं करते क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा है ओनली बेसिकली फॉर इस्लामिक वुमेन्स, यू नो, फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स। तो आप आपको सैलरी मिलती है लड़कियां हायर करते हैं आप? सैलरी, आई एम द ओनर ब्रदर, मैं ओनर का ब्रदर हूँ। अच्छा हम्म, तो मतलब जो मतलब परेशान हाल लड़कियां हैं तो आप अच्छा जरा मुझे दो मिनट से फोन कीजिए, अजान हो रही, दो मिनट से फोन कीजिए अजान। आप अजान का भी काम कर रहे हो और आप ऐसा भी कर रहे हो? अजान हो रही है, दो मिनट में फोन कीजिए फिर तसव्वुर से बात करा जाएगा आपसे। हेलो हेलो, हाँ जी भाई अजान सुन लिए पूरी? फिर भाई पे आ गए। हाँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह फॉर्मल भाई बोल के बात करोगी तो ही मैं तुम्हें। हाँ मेरी बात सुनो अभी ध्यान से। तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, पति होगा, जो भी है मैम, अब भाई बोलेगी नहीं बोलेगी चलेगा। हाँ मुद्दे की बात करो भाई। किसकी? मुद्दे की बात ये है कि क्या बोले, मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये जो काम कर रहे हो क्यों गोली भाली लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे? क्या खराब किया है इसमें बताओ? खुद की भी तो चंद पैसों के लिए आखिरत खराब है और दूसरे को अभी आखिरत खराब कर रहे हो। आखिरत खराब किया यहाँ पे? अभी आप बोल रहे फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अजान का एहतराम कर रहे हैं। हाँ तो ऐसा नहीं होता ना भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती उसको फोन करके, उसको फोन करके बोल के ऐसा आप नहीं बोल सकते ना कि मॉडलिंग करना है। बाजू में किसी को सुना रही हो क्या कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ? हाँ सुना नहीं रही, इंटरेस्ट ले रही थी, इंटरेस्ट लेके खुद बात कर रही थी, फोन मैंने कहा जबरदस्ती किया, फोन तो तुम हाँ, कर रही हो। अभी तुम जो भी है, तुम्हें पैसा चाहिए 30-35 हजार रुपए महीने का या 15-20 दिन का हम देते हैं। मैंने वो बताया कि क्यों देते हैं, जो हालात से मजबूर लड़कियां होती है उनके लिए ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने चालू किए है। तो ऐसी फ्री में दो ना, जरूरत क्या है कपड़े उतरवाने की? कपड़े ऐसी फ्री में दो, जरूरी कपड़े थोड़ी ऐसी फ्री में दो, बुरखा पहना है। हाँ, ऐसी फ्री में दो ना, चैरिटी वर्क मैंने करो क्या ना, बोला बुरखा एनजीओ ज्वाइन करो। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट शूट है, तुम जैसे लोग ही है ना, तो तुम जैसे लोग ही है ना दुनिया में, औरतों की इज्जत नहीं करते, उनकी इज्जत उछालते हैं। सुनोगी मेरी बात? मैंने बोला आपको बुरखे में, ये बुरखा अगर पहन, अब बुरखा होता किसके लिए? फोटो शूट के लिए नहीं होता, गैर महरम ना देखे इसलिए होता है। हाँ तो गैर मैरम कहाँ देखेंगे? हाँ। थी फोटो देखेंगे ना, मैंने तो तुम्हें हाँ। ये बोला चेहरा भी छुपा सकती हो तुम, चेहरा हाँ, से आओ तुम, ना दिखाओ। तुम लोग का जो ये सब चल रहा है ना सिंडिकेट क्राइम, लड़कियों को फांसने का, ये सब खत्म कर दो प्लीज। कौन सा फांसने का चल रहा है? लड़कियाँ खुद फंसा रही है लड़कों लोग को, और बाद में फिर लड़के हाँ। नशे में परेशान हो जा रहे हैं, बाद में फिर लड़कियाँ खुद दूसरे लड़कों के पास भाग जा रही है, वो सही है क्या? तो जो करते होंगे करते होंगे, ये हाँ, तुम तो लोग है ना जो कॉल लड़की लोग में कॉल वॉल और दोबारा तो करने होंगे। का नहीं समझे क्या? क्या नहीं करने का? अपने मर्द को सुना रही के बॉयफ्रेंड को सुना रही बाजू में? मुंह पहले बंद तो रख पैसा, अपना। पहले तो पैसा सुन के पकड़ा गई यहाँ मिलेगा तो तेरी अम्मा को बैठा मारूंगा ना तब। हाँ। हेलो, कॉल क्यों काटा? तुम नाराज लग रहे थे। नाराज की नहीं हो, सुन मेरी बात ध्यान से जरा, अभी आइंदा के लिए इस नंबर पे तूने कॉल किया ना तो एक घंटे में पुलिस स्टेशन से कॉल करवाऊंगी मैं, समझ आया तुझे? क्या बोली, धमकी देके बात कर रही हो? हाँ और सुन, बोली भाली लड़कियों का फांसना बंद करो, तुम लोग का जो क्राइम चल रहा है। क्राइम क्या चल रहा है? पिक्चर देखने थिएटर में बराबर जाने का अपने बॉयफ्रेंड और पति लोग के साथ में, और वो क्राइम नहीं है क्या? हाँ ऐसा इतना एहतराम रख के बात करी तो पिक्चर का लिए देखने जा रही? घर में बराबर नाच गाना चालू रहता है, टीवी कान में ईयरफोन ले आके गाना सुनना, वो सब बराबर चालू है, वो सब तो ऐसा सब आराम है फिर। तू कौन है रे? तू कौन है कौन जो तू मुझसे ऐसे बात तो, कर रहा है? तो तू कौन है जो मेरे को तू इतना एहतराम रख के सिखा रहे ली गैर महरम होना? मैं महरुन निशा हूँ। हाँ शीरिन जरा एक जूस का ग्लास दे दो, गरम कर दीजिए माँ मेरा इसमें, देखो ना आ गया। हेलो हेलो, रुक रुक, तेरे को मैं पुलिस स्टेशन से कॉल कर, तो देना तेरे को अक्कल आएगी। सुनना रुक, तेरे को एक घंटे में ही कॉल आएगा, रुक जा। हाँ तो सुनना सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनोगी?
हाँ तुम्हारे को इंटरेस्ट नहीं है तो तुम क्या के लिए फोन कर रही हो बार बार? मैं नहीं फोन कर रही हूँ, फोन तुमने किया। किया किसने अभी? फोन तुमने किया, फोन तुमने किया। कितनी बार किया? तो तुमको मेरा नंबर मिला कहाँ से? ये अच्छा लगता है प्रोफेशनल? हाँ हाँ, आपकी शूट भी ले रहे हैं प्रोडक्ट। तो तुम ना अपनी माँ से कराओ, अपनी माँ बहन से कराओ बुर्के का शूट। मैंने कोई हाँ नहीं बोला। तुमने हाँ बोले, ठीक है। तुमको जिसने भी मेरा नाम नंबर दिया है ना, उसका नाम खोल दो। तुमने मेरे को झूठ क्यों बोले? तभी हाँ क्यों भरे? हाँ हाँ, मैंने बोला भी कि हमारे पास दोनों सॉफ्ट कंटेंट भी है, हार्ड कंटेंट भी है। तुमने क्या बोला? फोन रख, क्यों रखूं? दो बाप की औलाद। अरे दो नहीं, भोसड़ी वाला। चल मादच्चोद आओ ना मेरे पास, आओ ना।